तो भाई लोग कैसे हो सबके साथ। तो हाई आप सब अच्छे होंगे यार। तो आज मैं फिर से आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके, तो आज हम बात करेंगे माइनक्राफ्ट के बारे में। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है रेसिंग रफ्तार। हाँ भाई, आज जो माइनक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे, वैसे रोज ही करते रहते हैं ना, तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना अगर आज के वीडियो के बारे में आप सभी को नहीं पता है। हाँ भाई, तो टाइटल और थंबनेल आप सभी ने देख लिया होगा वीडियो क्या है, आप सभी को आइडिया जरूर होगा इसके बारे में ना। तो भाई आज का वीडियो है ना, मैं थोड़ा बहुत आप सभी को जो वर्ल्ड आप क्रिएट करते हो ना उसके बारे में थोड़ी बहुत आप सभी को आज नॉलेज देने वाला हूँ कि माइनक्राफ्ट में कैसे कैसे वर्ल्ड आप क्रिएट कर सकते हो ना, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ना। तो भाई आप जैसे ही माइनक्राफ्ट को ओपन करते हो तो यहाँ पे आते हो और यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन मिलते हैं, प्लेस सेटिंग और मार्केट प्लेस। आप सभी इनको जानते हो, नहीं जानते तो मेरे पुराने वीडियो देख लेना, मैं इन सबके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखे। ये प्रोफाइल और ये सेटिंग, मतलब सॉरी यार साइन इन, साइन इन कर सकते हो यहाँ से अपना। तो यहाँ से प्ले पे जाते हो आप, ज़्यादातर लोग यही करते हैं ना, सब यही करते हैं ज़्यादातर। क्या यहाँ पे आपके मैप्स होते हैं, देखो मेरे पास कितने सारे हैं, बस यही पड़े हैं ना। यहाँ से आप न्यू मैप क्रिएट करते हो, देखो यहाँ से न्यू मैप क्रिएट करते हो। मैं भी बीटा यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बीटा यार है ना। हाँ, तो यहाँ से आप न्यू मैप क्रिएट करते हो। अब मैं दिखाने वाला हूँ आप कितने तरह के माइनक्राफ्ट में मैप्स क्रिएट कर सकते हो यार, या फिर बहुत सारी सेटिंग्स होती है उनको आप चेंज कर सकते हो, न्यू सेटिंग रख सकते हो अपने हिसाब से। देखो यार है ना। हाँ भाई देखो, ये ओपन हो चुका है। यहाँ से देखो सबसे पहले आता है गेम ऑप्शन है ना, तो मैंने गेम ऑप्शन के ऊपर पूरे के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, उसको देख लेना ना। देखो जो अभी ग्रीन दिख रहा है ना, ये गेम ऑप्शन, इसके पूरे के ऊपर देखो, जैसे ये इतने सारे ऑप्शन है ना, देखो इतने सारे, इसमें कितने सारे ऑप्शन है सेटिंग है ना, तो इनके पूरे के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है, उसको जरूर देखना ना। भाई आज हम बात करने वाले इस ऑप्शन के बारे में जो अभी ग्रीन ग्रीन आपसे कुछ दिख रहा है, वॉल टाइप। हाँ भाई, तो मेरे एक सब्सक्राइबर है, मैंने शायद उनका नाम तो मेरे को याद नहीं है ना, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई हम है ना एक फ्लैट मैप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा यार ये तो बिल्कुल आसान है, लेकिन उन्होंने कहा कि यार एक वीडियो बना दो इसके ऊपर। तो मैंने सोचा यार एक वीडियो बना देते हैं, काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, तो पता चल जाएगा ना, ये बात सही है। तो भाई इसके बारे में आज बात करने वाला है, वर्ल्ड टाइप। तो ये क्या होता है, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो यहाँ पे वर्ल्ड टाइप लिखा है, इसको जैसे आप ओपन करते हो यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं आपको, फ्लैट, इनफाइनाइट और ओल्ड। सबसे पहले हम फ्लैट के बारे में बात करते हैं। जैसे आप फ्लैट को यहाँ सेलेक्ट करते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है टर्न ऑफ अचीवमेंट्स। तो जैसे आप फ्लैट को ऑन करते हो तो टर्न ऑफ अचीवमेंट का ऑप्शन आता है, मतलब इसमें आप सभी को अचीवमेंट्स नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये एक क्रिएटिव जो वर्ल्ड है ना, क्रिएटिव मोड होता है ना, वो ये है। तो आप इससे निवाद नहीं है कि इसमें आप सर्वाइवल ऑन ही नहीं कर पाओगे। सर्वाइवल आप इसमें ऑन कर सकते हो, लेकिन बेसिकली जैसे आप इसको प्ले करोगे ना तो इसमें अचीवमेंट्स ऑफ हो जाए, क्योंकि ये ज़्यादा लोग इसको क्रिएटिव में यूज़ करते हैं ना, इसलिए मतलब ये सर्वाइवल के लिए है ही नहीं भाई ना, ये ओनली क्रिएटिव के लिए है, तो इसलिए क्रिएटिव में ही इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हो, गो बैक करते हो, तो ये वैसे रह जाता है, यहाँ पे कंटिन्यू करते हो ना आप, तो ये फ्लैट यूज़ हो जाता है। या से आप सीड अपनी कोई भी रख सकते हो, जो आपका मन करे वो सीड आप रख देना। वैसे सीड के ऊपर ही मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप देख लेना। आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट यहाँ से बस आपको मैप है ना क्रिएट करना। जैसे क्रिएट पे आप क्लिक करते हो ना, तो आपका वर्ल्ड क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो इसको क्रिएट होते हैं, मिलते हैं डायरेक्ट वर्ल्ड में 5 मिनट्स लेटर। हाँ तो भाई यहाँ से देख सकते हो मैं आ गया हूँ क्रिएटिव मैप में, या फिर क्रिएटिव वर्ल्ड में ना। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, आप देख सकते हो कुछ भी नहीं होता यहाँ पे ना, ओनली फ्लैट, इसलिए तो उसको फ्लैट बोलते हैं। यहाँ पे देखो ऊबड़ खाबड़ जगह बिल्कुल नहीं है, ना नदी है ना कोई पेड़ है, ओनली ये जगह है सीधी सपाट एकदम फ्लैट है ना। तो आप इसमें नीचे भी नहीं जा सकते, ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते, 1, 2, 3 बस 3 तक ही होता है। अगर आप इसको तोड़ते हो ना, ये बेडरॉक है, तो आप नीचे चले जाओगे ना, बस इसमें ज़्यादा नीचे जा ही नहीं सकते आप। बस देखो पूरा फ्लैट है, ऊपर जाके दिखाता हूँ आपसे ये क्या काम आता है ना, मतलब यहाँ पे आप माइनक्राफ्ट में अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो किसी लोगों को, किसी को भी, मतलब जो भी बना के है ना भाई, माइनक्राफ्ट में सब कुछ होता है ना, कुछ भी आप बना सकते हो। यहाँ पे हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, जैसे कुछ भी बना के है ना, आपको अगर कुछ बनाना आता है तो बस ऐसे दिखा सकते हो ना। देखो यहाँ पे ना, अगर आप एक सर्वाइवल मैप को क्रिएटिव बनाओगे ना भाई, उसमें ऐसी जगह नहीं होती बिल्कुल ना, फ्लैट जगह नहीं होती, तो आपसे उसको फ्लैट करना पड़ेगा और फिर उसे यूज़ करना पड़ेगा। कितने को फ्लैट करोगे ना, तो यहाँ देखो इस वाले मैप को अगर आप यूज़ करते हो ना, तो आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। जैसे मेरे को कुछ बनाना होता है ना, जैसे कोई फार्म, जैसे कोई कुछ चीज़ बतानी होती है, तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ, क्योंकि सर्वाइवल में ना चीज़ जगह अच्छी नहीं होती। देखो ऐसे ऐसे आप इसे बना देते हो, कुछ भी बना सकते हो, आपका जो मन करे ना वो बना देना यार ना। तो इसलिए ये फ्लैट मैप हम यूज़ करते हैं ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके। वैसे क्रिएटिविटी नहीं, कुछ भी आप दिखा सके आप, लेकिन मकसद यही है इसका ना, क्रिएटिविटी दिखा सके, इसलिए तो इसको बनाया। ज़्यादा इसका यूज़ है नहीं वैसे ना, आप अपनी क्रिएटिव मोड इसमें ज़्यादा इफेक्टिव है, क्रिएटिव
भी इसमें यूज़ करते हैं। तो बात करते हैं इनफाइनाइट के बारे में, फिर से जाता हूँ वहीं पे और बात करते हैं इनफाइनाइट के बारे में। तो भाई मैं फिर से वहीं पे आ गया हूँ, मतलब मैं वहीं पे नहीं आया लेकिन मैंने अलग से फिर से एक न्यू मैप क्रिएट किए। अगर आप एक बार फ्लैट बना ले तो ना फिर आप उसको इनफाइनाइट नहीं बना सकते, ये बात ध्यान रखना है ना। देखो वर्ल्ड टाइप में दूसरा ऑप्शन है इनफाइनाइट, तो ये क्या है ना, इसमें यार माइनक्राफ्ट का एंड नहीं है ना, ये इनफाइनाइट है। आप जिंदगी भर माइनक्राफ्ट खेलते रहो, कभी इसका एंड आता ही नहीं है ना, इतना बड़ा है। लेकिन इसमें दो ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो, वैसे दो नहीं तीन कर सकते हो ना। देखो यहाँ से डिफ़ॉल्ट गेम मोड है ना, सर्वाइवल और क्रिएटिव, दोनों में से आपका जो मन करे वो रख सकते हो आप ना। वैसे ज़्यादा लोग सर्वाइवल, अगर आप क्रिएटिव करते ना, ऐसे देखो अचीवमेंट्स आपकी नहीं मिलेगी, आपको अचीवमेंट्स ओनली सर्वाइवल मैप में ही मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है ना। ऐसे आप डिफ़िकल्टी सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। तो भाई ये इन्फाइनाइट है, इन्फाइनाइट में दिखा देता हूँ, वैसे इन्फाइनाइट आप सबको पता होगा, फिर भी मैं दिखा देता हूँ एक बार यार ना। यहाँ से आपको जस्ट मैप क्रिएट करना है और कुछ भी नहीं करना, आपका मैप है ना क्रिएट होना शुरू हो जाता है यार। तो भाई आप देखते हो यहाँ से मैं आ गया हूँ सर्वाइवल मैप में, ये इनफाइनाइट है तो इसका कोई एंड नहीं है ना। अब मैं यार इसको आप समझ रहे हो भाई दिखा कैसे एंड नहीं है, अब मैं कैसे दिखाऊँ, इसको कोई एंड ही नहीं है, कैसे दिखाऊंगा आप सबको पता है, आप सब जानते हो बेसिकली इसके बारे में सब जानते हैं, इनफाइनाइट के बारे में सब जानते हैं, फ्लैट और ओल्ड के बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते ना, इसके बारे में सब जानते हैं यार, ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं क्योंकि सर्वाइवल मैप आप इसमें प्ले करते हो इनफाइनाइट है ना, तो सब जानते हो आप, इसमें सब कुछ है, विलेज विलेज सब कुछ, इसका कोई एंड नहीं है, आप जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो ना। तो मस्त चीज़ है भाई है ना, सब कुछ मिलता है इसके अंदर, ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करते हैं ना। तो ये ख़त्म है ना, मैं क्या जाके दिखाऊंगा यार, इसका कोई एंड नहीं है ना, मैं नहीं दिखाने वाला कुछ है ना, मैं कहाँ तक जाऊँगा आप सब जानते हो, कहाँ तक जाऊँगा, क्या क्या दिखाऊँगा, पूरा वीडियो बिना मतलब वीडियो बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं नहीं जाने वाला कोई ना। तो अब जाते हैं ओल्ड मैप पे ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर ध्यान से देखना, इसका काम हो गया। इसमें सब जानते हैं भाई, सर्वाइवल में आप प्ले करते हो ना वो यही है, तो इन्फाइनाइट के बारे में सब जानते हैं, नहीं जानता तो मैं बता दिया इन्फाइनाइट है, इसको दो मोड में आप यूज़ कर सकते हो, वैसे एडवेंचर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, एडवेंचर और दूसरा क्रिएटिव और सर्वाइवल ना। आप क्रिएटिव ऑन करेंगे ना आपको अचीवमेंट्स नहीं मिलेंगे, सब ध्यान रखना आप ना। तो चलते हैं भाई ओल्ड में ना यहाँ से। अब 2000 years later हाँ, तो आप देख सकते हो मैं फिर से वहीं पे आ गया हूँ भाई, ऊपर जो लिखा ना अचीवमेंट्स कैन बी अर्न इन दिस वर्ल्ड बट यू मस्ट साइन इन टू माय एक्स्ट्रा अकाउंट, तो यार मैंने साइन इन नहीं कर रखा ना इसलिए आ रहा है ना। तो देखो फिर से हम वहीं पे जाते हैं वर्ल्ड टाइप में, और ये लास्ट ओल्ड, क्या से आप ओल्ड सेलेक्ट कर सकते हो, इसको भी आप किसी में यूज़ कर सकते हो, क्रिएटिव सर्वाइवल एडवेंचर है ना। तो ये क्या है ओल्ड है ना भाई, ओल्ड ऐसा मैप है ना, इसकी लिमिट्स होती है, आप है ना ये इनफाइनाइट नहीं है लेकिन ये सर्वाइवल जैसे इनफाइनाइट है ना वैसा ही है, लेकिन इसकी लिमिट्स है, आप है ना वहाँ से आगे नहीं जा सकते जहाँ तक ये मैप है। तो इसको क्रिएट होते हैं फिर बात करते हैं यार। 5 minutes later तो भाई यहाँ से आप देख सकते हो मैं आ गया हूँ ओल्ड मैप में, मतलब ओल्ड है ना ये ओल्ड मैप है ना। हाँ अब आप सोच रहे भाई ये तो बिल्कुल इनफाइनाइट है, क्या क्या नया है इसमें, तो भाई इसकी लिमिट्स है ना। तो देखो जैसे है ना मैं आगे जाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं सर्वाइवल यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो इसको क्रिएटिव करता हूँ ना, तो भाई आप जैसे तो मैंने इसको क्रिएटिव कर लिया ना। अब आप सोच रहे हो भाई ये इतना छोटा भी नहीं है लेकिन इनफाइनाइट नहीं है, आप सभी समझ सकते हो यार ना। आप सोच रहे भाई इस वजह से यहाँ पे गया ये खत्म, इतना भी छोटा नहीं है ना यार, ऐसे काफ़ी बड़ा है, आप सभी को इसमें सब कुछ मिल जाएगा, जैसे डेजर्ट जंगल और जैसे बहुत सारे वर्ल्ड होते हैं ना, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन बस मैं सब आप समझ गए ना, पूरा नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, जैसे आप आगे जाओगे ना तो इसकी एंड आ जाएगा इसका। अब यार इतना भी छोटा नहीं है कि मैं भी आप सबको एंड दिखा सकूँ इसका ना, लेकिन छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, आप सभी समझ सकते हो जो मैं बोलना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ। तो तीनों में डिफरेंस क्या है आप सभी को डिफरेंस मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप सबको समझाने की कोशिश की यार ना, तो मैं ऐसा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो भाई ओल्ड में ना काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे ना इसमें ना काफ़ी चीज़ें वर्क नहीं करती है ना। अब यार ऐसी भी नहीं कि मैं आप सभी को यहाँ पे सब कुछ दिखा सकूँ, लेकिन ओल्ड को प्ले मत करना, ये इतना अच्छा नहीं है ना। आप सभी प्ले करना जैसे मैं होता हूँ, फ्लैट तो आप क्रिएटिव में यूज़ कर सकते हो लेकिन आप यूज़ करना इनफाइनाइट, जो इनफाइनाइट है उसको यूज़ करना है, फोल्ड को यूज़ मत करना। आप सोचो भाई अपन कुछ अलग करता है और ओल्ड यूज़ करता है, लेकिन भाई अगर आपने काफ़ी कुछ कर लिया फंस जाओगे ओल्ड यूज़ करके ना। तो मैं मानता हूँ ओल्ड इतना बुरा मैप नहीं है, लेकिन मतलब वर्ल्ड का टाइप नहीं है, मैप नहीं बोल सकते ना, वर्ल्ड का टाइप नहीं है, लेकिन भाई काफ़ी अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। लेकिन इनफाइनाइट शानदार है, आपको सब कुछ करना है ना तो इनफाइनाइट ज़रूर खेलना। तो यही आज का वीडियो आ रहा है, मैंने तीनों के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया ना तो नीचे कमेंट करना, मैं उसमें भी आपको रिप्लाई दे दूंगा ना। तो यार मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।